नमस्ते, गुडरिच की किचन में आपका स्वागत है और मैं हूं शेफ बालेंद्र सिंह। चलिए बनाते हैं। रेड वेलवेट स्पंज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है गुडरिच का रेड वेलवेट प्रीमिक्स, और मुझे एक हाफ केजी का केक बनाना है। उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि 6 इंच डायमीटर का मेरे पास मोल्ड होना चाहिए या मेरे पास रिंग होना चाहिए, जिसके लिए मुझे चाहिए 175 ग्राम रेड वेलवेट प्रीमिक्स, पानी जिसकी क्वांटिटी है 85 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल जिसकी क्वांटिटी है 40 ग्राम। हमारा जो मिक्स है, ना ये अंडर मिक्स होना चाहिए ना ही ओवर मिक्स होना चाहिए। अंडर मिक्स होगा तो इसमें लम्प्स बनेंगे छोटे छोटे, ओवर मिक्स होगा तो ये बहुत रबरी टेक्सचर का बनेगा। उसका इफेक्ट आपके स्पंज के कैरेक्टर पर आएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आप जब प्रीमिक्स को बनाएं तो इसका एक बेसिक सा सिंपल फॉर्मूला है, जिसको हम अपनी शेफ्स लैंग्वेज में बोलते हैं 1-2-1। इट मींस हमें ये 1 मिनट के लिए स्लो स्पीड पर घुमाना है, 2 मिनट इसकी फास्ट स्पीड रखनी है और फिर 1 मिनट स्लो स्पीड रखनी है। मैं एडवाइस करता हूं कि आप स्पैचुला यूज करें, बिकॉज कभी कभी इसके बॉटम पे लम्प्स रह जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा बैटर रेडी है। बैटर लम्प्स फ्री होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास बैटर रेडी है। बैटर बहुत अच्छा और स्मूथ कंसिस्टेंसी का है और स्पेशली फुल ऑफ लिक्विडिटी है, जैसा कि मैं चाहता हूं। बैटर को अब हम बेकिंग में डालेंगे। ओवन प्रीहीट होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 25 से 30 मिनट्स के बीच में ये परफेक्टली बेक होके मुझे वापस मिल जाएगा। जब तक ये स्पंज बेक हो रहा है, मैं आपको 1 kg गुडरिच रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स की रेसिपी बता देता हूं। ये है 1 kg प्रीमिक्स, 500 ml पानी का और 240 ग्राम एडिबल ऑयल, और 1-to-1 बैटर फॉर्मूला इस रेसिपी के लिए भी वही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास स्पंज बेक होकर रेडी है। आपका स्पंज रेडी है अगर आपका टूथपिक बाहर सूखा निकलता है। मैंने इसको 10 मिनट रखा है उसी मोल्ड में जिसमें मैंने बेक किया था, और 2 घंटे रखना होता है हमें इसको रेस्ट होने के लिए, ताकि इसमें जो क्रम्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो सेट हो जाएं। बिकॉज ये एग फ्री है तो 2 घंटे में ये परफेक्टली सेट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पंज रेडी है। और बिफोर स्लाइसिंग मैं आपको 3 verticals पे बात करना चाहूंगा, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारा स्पंज का कैरेक्टर कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टर की। इंटरनल कैरेक्टर में आता है उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट। एक्सटर्नल कैरेक्टर में आती है उसकी स्पंजीनेस। तो आप देख पा रहे हैं बाउंस बैक हो रहा है। इट मींस ये परफेक्टली बेक्ड है और पूरी तरह से परफेक्टली स्पंज है। स्लाइसेबल क्वालिटी है स्पंज की, बहुत मॉइस्चर है और कलर बहुत शानदार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 equal slices में किया हुआ है। सो जो बेस है वो आपको बेस पे ही रखना है, बाकी के स्लाइड में एक साइड पे रख देता हूं। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं गुडरिच की व्हिप टॉपिंग। हमेशा ध्यान रखिए, जो इसका टॉप लेयर है वो आपको सेंटर में रखना चाहिए, बिकॉज आपका केक वर्टिकली स्टैंड करेगा।